देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इस टाइप का स्टूडेंट एक पूछ रहा था आज के लेक्चर में कि अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन होगा कि एम टू आई बी द सेट ऑफ ऑल 2 बाई 2 मैट्रिसेस, और आगे क्वेश्चन है अवर द सेट ऑफ इंटीजर, शो करो कि ये जो सेट एम टू आई है ये फॉर्म आ मोनाइड अंडर द कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो अंडर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में शो करना है। तो देखिए इसमें पहली और दूसरी प्रॉपर्टी आपको तो बिल्कुल आसान है, वो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी में बच्चों को कंफ्यूजन आ रही थी, बोल रहे थे कि ये आई वाला क्या प्रोसेस है। तो देखिए जब कभी जो मैंने क्वेश्चन आज के लेक्चर में पढ़ाया था, कल के लेक्चर में सॉरी कल के लेक्चर में जो पढ़ाया था उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उधर सेट दिया हुआ था, उधर एक सेट दिया हुआ था जी इक्वल टू एक्स वाई। तो देखिए इधर सेट दिया था, इधर एक सेट दिया हुआ था मैट्रिक्स फॉर्म का, लेकिन इधर वो पहले से कह रहा है कि मैट्रिक्स 2 बाई 2, एम टू का मतलब है मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 ये होता है मतलब दो रो, एक रो दो रो, पहली रो दूसरी रो, पहली कॉलम दूसरी कॉलम, ये होता है 2 बाई 2 मैट्रिक्स। तो कह रहा है इस तरीके की मैट्रिक्स दी थी तो चेक करना था, लेकिन इधर पहले से वो कह रहा है कि एम टू आई मतलब इधर फॉर्म बताई थी कि इस फॉर्म की है, तो इधर वो कह रहा है कि एम टू आई इधर फॉर्म नहीं बताई, इधर सिर्फ डायरेक्ट पहले से ही कह रहा है कि मैट्रिक्स का एक सेट ऐसा है जो 2 बाई 2 क्रॉस मैट्रिक्स, एक मतलब 2 बाई 2 क्रॉस का एक ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और उसमें शो करना है कि ये मोनाइड है कि नहीं। तो उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो होती है वो हम लेते हैं, क्योंकि इधर आई दिया हुआ तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसको हम लिखते हैं 1 0 0 1। तो इस केस में जहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स दी हो और आगे उसकी फॉर्म ना बताई हो तो उस केस में आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन जिस केस में मैट्रिक्स की फॉर्म बताई हो उस केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से अब क्या फर्क होता है, ठीक है ना। तो इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैं समझा देता हूँ, अगर मैं कोई भी ए एलिमेंट ले लूँ कि इससे ए बिलोंग टू एम टू आई, कोई भी मैं इससे एक एलिमेंट लूंगा तो देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट आई, एक आई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट 1 0 0 1 बिलोंग्स टू एम टू आई, तो ये भी तो इसको बिलोंग करेगा क्योंकि क्योंकि ये जनरल मैट्रिक्स दी हुई है। अब इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म ऐसी बताई नहीं है, इसमें जनरल मैट्रिक्स बताई हुई है कि ऐसी फॉर्म की मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है, जब कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है तो तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है, ठीक है ना। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से, उसमें ऐड करने सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें अंडर द मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, तो इसके साथ इस मैट्रिक्स के साथ में आई को मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है, ए आई इक्वल टू ए या आई इंटू ए, या ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो तो ये प्रॉपर्टी ए के बराबर वापस वो जो एलिमेंट दिया उसी के बराबर आ जाती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आई है वो इस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होगी, तो फिर वहाँ से ये जो है ये मोनाइड बन जाता है, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आया होगा फ़र्क क्या होता है। फ़र्क यही है मैंने बताया आपको कि इस जब मैट्रिक्स किसी फॉर्म की पहले से बता रखी हो कि इस फॉर्म की है तो उस केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यूनिक नहीं होती ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही नहीं होती क्योंकि बहुत सारी निकल सकती हैं, वो डिपेंड करती है इनकी वैल्यू पर, लेकिन इधर वैल्यू दी ही नहीं, इधर मैट्रिक्स डायरेक्ट बोल रहा है वो कि इस फॉर्म की है एम टू इन टू आई, तो इस फॉर्म की मैट्रिक्स है, तो उस केस में आई पहले से वो बोल रहा है आई इसके मल्टीप्लाई में, तो इट मीन्स इस केस में इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी वो यही एग्जिस्ट करेगी, एक ही इसके अलावा कोई और आइडेंटिटी नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या फ़र्क होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी भी अगर जिस चीज़ को कोई प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, तो आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। अब सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुके हैं, अब एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं आपको फोटो भेज दूंगा, वो आप खुद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट सिलेबस में क्या तुम्हारे उस पर चलेंगे, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज तुम्हारी है, अब एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, जितने मैंने करवा दिए ये सफिशेंट है, अब इनके अलावा जो है वो आप खुद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।